ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष संतान गोपाल स्तोत्र का सरल हिंदी में पाठ करने जा रही हूँ, जिससे जिन जिज्ञासुओं को संस्कृत नहीं आती वह भी इस स्तोत्र के सरल पाठ से पूर्ण फल पाते हैं। यह सर्वविदित है कि यह महान संतान गोपाल स्तोत्र से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, विशेषतः जिन माताओं और बहनों को पुत्र की चाहना होती है वो भी इस पाठ को श्रवण करेंगी तो उनकी पुत्र पाने की कामना भी अवश्य फलीभूत होगी। ऐसा मेरा निजी अनुभव है और दृढ़ विश्वास भी है। आइए श्रवण करते हैं संतान गोपाल स्तोत्र। मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए लक्ष्मीपति, कमल नयन, देवकी नंदन तथा सर्व पाप हारी मधुसूदन श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। मैं पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से उन वासुदेव श्री हरि को प्रणाम करता हूँ जो यशोदा के अंक में बाल गोपाल रूप से विराजमान हैं और नंद को आनंद दे रहे हैं। अपने को पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं मुनि वंदित वसुदेव देवकी नंदन गोविंद को सदा नमस्कार करता हूँ। मैं पुत्र पाने की कामना से उन यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कमलापति अच्युत विष्णु होकर भी गोप बालक रूप से गऊओं की रक्षा में लगे हुए हैं। मुझे पुत्र की प्राप्ति हो इसके लिए मैं पुत्रेष्टि यज्ञ का फल देने वाले कमल नयन लक्ष्मीपति देवकी नंदन श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। पद्मापते, कमल नयन, पद्मनाभ, जनार्दन, श्रीश, वासुदेव, जगतपते, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। यशोदा के अंक में बाल रूप से विराजमान तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले मुनि वंदित लक्ष्मीपति गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। श्रीपते, देव देवेश्वर, दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले अच्युत गोविंद, मुझे पुत्र दीजिए। जनार्दन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले गोविंद, भक्त की रक्षा कीजिए। शुभदायक रुक्मणी वल्लभ, प्रभु श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। रुक्मणीनाथ सर्वेश्वर, मुझे सदा के लिए पुत्र दीजिए। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। देवकी पुत्र गोविंद, वासुदेव, जगन्नाथ, श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्व वंदनीय वासुदेव, लक्ष्मीपते, पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कमल नयन, कमलाकांत, दूसरों पर दया करने वालों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। लक्ष्मीपते, पद्मनाभ, मुनि वंदित मुकुंद, श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कार्य कारण रूप सुखदायक एवं विद्वान हैं। मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए आप वासुदेव को सदा नमस्कार करता हूँ। राजीव नेत्र, कमल नयन, रावणारे, रावण के शत्रु, हरे, कवे, देवेश्वर, विष्णु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर, मैं अपने लिए पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से आपकी आराधना करता हूँ। रमावल्लभ, वासुदेव, श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। माननी श्री राधा के मान का अपहरण करने वाले तथा अपनी आराधना करने वाली गोपांगनाओं के वस्त्र को यमुना तट से हटाने वाले, उन्हें सुख प्रदान करने वाले जगन्नाथ, वासुदेव, श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। यदुनंदन, रमापते, वासुदेव, मुनि वंदित मुकुंद, हमें पुत्र की प्राप्ति कराइए। वासुदेव, मुझे बेटा दीजिए। माधव,
मुझे तनय दीजिए, श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, महाप्रभो मुझे वत्स दीजिए, श्री कृष्ण मुझे डिंभक पुत्र दीजिए, रघुनंदन मुझे आत्मज औरस पुत्र दीजिए। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप नंद नंदन मुझे तने दीजिए, श्री कृष्ण वासुदेव जगतपते कमलानाथ गोविंद मुनि वंदित मुकुंद मुझे आनंददायक पुत्र प्रदान कीजिए। प्रभु यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है, आप ही मेरे शरणदाता हैं। मुझे पुत्र दीजिए, संपत्ति दीजिए, संपत्ति और पुत्र दोनों प्रदान कीजिए। यशोदा जी के स्तनों के दुग्ध पान के रस को जानने वाले और उनका स्तन पान करने वाले घूरे नेत्रों से सुशोभित यदुनंदन श्री कृष्ण की मैं सदा वंदना करता हूँ, इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। देवेश्वर नंदनंदन प्रभो मुझे आनंददायक पुत्र दीजिए, रमापते वासुदेव जगन्नाथ मुझे धन और पुत्र दीजिए, माधव पुत्र और धन दीजिए, धन और पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। श्रीपते हमारे दीनतापूर्ण वचन पर ध्यान दीजिए, गोप कुमार गोविंद रमावल्लभ वासुदेव जगन्नाथ मुझे पुत्र दीजिए, संपत्ति दीजिए, देवकीनंदन अच्युत मुझे मनोवांछित फल दीजिए, यदुनंदन मेरी पुत्र विषयक प्रार्थना को सफल एवं धन्य कीजिए। भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप राम भक्त वांछा कल्पतरो महाप्रभो मैं आपसे धन और पुत्र की याचना करता हूँ, मुझे पुत्र और धन संपत्ति दीजिए। रघुनंदन आप सदा मुझे आनंददायक आत्मज पुत्र कुमार डिंभक सुत अर्भक एवं तने दीजिए। मैं अपने लिए पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से संतान प्रद गोपाल माधव भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले अच्युत गोविंद की वंदना करता हूँ। ओंकार युक्त गोपाल श्री युक्त यदुनंदन तथा क्लीन युक्त देव के पुत्र यदुनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, अर्थात ओम श्री क्लीन इन तीनों बीजों से युक्त देव के सुत गोविंद मंत्र का मैं आश्रय लेता हूँ। वासुदेव मुकुंद ईश्वर गोविंद माधव अच्युत श्री कृष्ण रमानाथ महाप्रभो मुझे पुत्र दीजिए, राजीव नयन कमल सदृश नेत्र वाले गोविंद कपिलाक्ष हरे प्रभो संपूर्ण कमनीय मनोरथों की सिद्धि के लिए वर देने वाले श्री कृष्ण मुझे सदा के लिए पुत्र दीजिए, नील कमल समूह के समान श्याम सुंदर रूप वाले जगन्नाथ रामानायक माधव मुझे जलज कमल के सदृश मनोहर एवं श्रेष्ठ सतपुत्र प्रदान कीजिए, अजगर और वरुण के दूतों से नंद जी की रक्षा करने वाले पृथ्वी पालक यदुनंदन गोविंद प्रभो रुक्मणी वल्लभ श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। अपने सेवकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप गोविंद मुकुंद माधव अच्युत गोपाल पुंडरीकाक्ष मुझे संतान और संपत्ति दीजिए, यदुनायक लक्ष्मीपते यशोदानंदन श्रीधर प्राणवल्लभ श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, रमापते भगवन सर्वेश्वर वासुदेव जगतपते श्री कृष्ण हमें मनोवांछित वस्तु दीजिए, पुत्र प्रदान कीजिए। रमा को अपने वक्ष स्थल में धारण करने वाले सत्य भामा के हृदय वल्लभ तथा रुक्मणी के प्राणनाथ प्रभो मुझे पुत्र दीजिए, चंद्रमा और सूर्य रूप नेत्र धारण करने वाले गोविंद कमलनयन माधव देव
जगदीश्वर हमें भाग्यशाली श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए। करुणामय कमलनयन पद्मनाभ श्री विष्णु से सम्मानित देवकी नंद नंदन श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। देवकी पुत्र श्रीनाथ वासुदेव जगतपते समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले श्री कृष्ण मुझे सदा पुत्र दीजिए। भक्त वांछा कल्पतरो गंभीर स्वभाव वाले कल्याणकारी अच्युत माधव ग्वाल बालों पर स्नेह करने वाले श्रीपते मुझे पुत्र दीजिए। श्रीकांत वसुदेव नंदन ईश्वर देवकी के प्रिय पुत्र भक्तों के लिए कल्प वृक्ष रूप जगत प्रभो मुझे पुत्र दीजिए। जगन्नाथ रमानाथ पृथ्वीनाथ दयानिधे वासुदेव ईश्वर सर्वेश्वर प्रभो मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। श्रीनाथ कमल दल लोचन वासुदेव जगतपते श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपने दासों के लिए कल्प वृक्ष गोविंद भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए चिंतामणि स्वरूप प्रभो श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। गोविंद पुंडरीकाक्ष रमानाथ महाप्रभो श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्रीनाथ कमल दल लोचन गोविंद मधुसूदन जनार्दन मैं अपने लिए पुत्र रूप फल की सिद्धि के निमित्त आपकी आराधना करता हूँ। जो मैया यशोदा के मुखार विंद की ओर देखते हुए मंद मुस्कुराहट के साथ उनके एक स्तन का दूध भी रहे हैं और दूसरे स्तन का अंगुलियों से स्पर्श कर रहे हैं तथा जिनका प्रत्येक अंग उज्जवल आभा से प्रकाशित होता है, मैया यशोदा के अंग में बैठे हुए उन बाल मुकुंद की मैं वंदना करता हूँ। कमल लोचन मैं आपसे पुत्र संतति की याचना करता हूँ। श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। जगतपते हमें पुत्र की प्राप्ति हो इस उद्देश्य से हम आपका चिंतन करते हैं। आप मुझे शीघ्र पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि वंदित श्री कृष्ण आपको मुझे अवश्य मेरी प्रार्थित वस्तु संतान देनी चाहिए। वासुदेव जगन्नाथ श्रीपते पुरुषोत्तम देवेंद्र पूजित श्री कृष्ण मुझे पुत्र का दान कीजिए। यशोदा के प्रिय नंदन मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। हरे आपको मुझे पुत्र रूप संतान का दान अवश्य करना चाहिए। वासुदेव जगन्नाथ गोविंद देवकी कुमार कौशल्या के प्रिय पुत्र राम मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। कमल दल लोचन गोविंद विष्णु वामन माधव सीता के प्राण वल्लभ रघुनंदन मुझे पुत्र दीजिए। कमलनयन श्री कृष्ण देवराज से अलंकृत एवं पूजित हरे लक्ष्मण के बड़े भैया मुनि वंदित श्री राम मुझे सदा के लिए पुत्र प्रदान कीजिए। दशरथ के प्रिय नंदन श्री राम सीतापते कमलनयन मुचुकुंद को वर देने वाले श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। माधव आपने पूर्व काल में जो विभीषण को लंका का राज्य दिया था उसी प्रकार हमें पुत्र दीजिए। सीता के प्राण वल्लभ प्रभु नंदन मैं आपके चरणार विंदों का निरंतर चिंतन करता हूँ। मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मुझे मनोवांछित वर और पुत्रोत्पत्ति रूप फल देने वाले श्री राम ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित लक्ष्मीपते आप मुझे पुत्र दीजिए। लक्ष्मण के बड़े भाई सीता के प्राण वल्लभ दशरथ कुमार रघुकुल नंदन श्री राम श्रीपते आप मुझे भाग्यशाली पुत्र रूप संतान दीजिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए यशोदा के लाडले लाल गोपाल कृष्ण राम माधव मुझे पुत्र दीजिए। माधव गोविंद वामन अच्युत कल्याणकारी श्रीपते गोप बालक नायक श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। गोप कुमार सबसे बढ़कर धन्य
गोविंद, अच्युत, माधव, वासुदेव, जगतपते, श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। ये भगवान देवकी नंदन मुझे पुत्र दें, पुत्र दें, शीघ्र ही भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति कराएं। श्री सीता के स्वामी रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र मेरे वंश के विस्तार के लिए मुझे पुत्र प्रदान करें, पुत्र प्रदान करें। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा सीतापति भगवान श्री राम सदा मुझे आनंददायक कुमारोपम प्रिय पुत्र प्रदान करें। राम, राघव, गोविंद, देवकी पुत्र, माधव, श्रीपते, गोपालक नायक श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मधुसूदन मुझे वंश का विस्तार करने वाला पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कंसारे, माधव, अच्युत मुझे मनोवांछित पुत्र प्रदान कीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। माधव, जब तक चंद्रमा, सूर्य और कल्प की स्थिति रहे तब तक के लिए मुझे पुत्र परंपरा प्रदान कीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। प्रभो, देवकी नंदन श्री कृष्ण आप सदा मेरे लिए विद्वान, बुद्धिमान और धन संपन्न पुत्र प्रदान कीजिए। कमल नयन श्री कृष्ण मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए समस्त कामनाओं के दाता आप पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण मुकुंद मधुसूदन गोविंद को प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता गोविंद स्वामिन भगवान श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। स्वामी भगवान राम कृष्ण कामनाओं के दाता माधव मुझे सदा पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गोविंद कमलनयन कमलापते मुझे पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। लक्ष्मीपते कमल लोचन प्रद्युम्न को जन्म देने वाले प्रभो मुझे पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपने हाथों में शंख चक्र गदा खड़क और शारंग धनुष धारण करने वाले रमापते श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारायण रमानाथ कमलदल लोचन देवेश्वर कमलालया लक्ष्मी से वंदित श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। राम राघव गोविंद देवकी के श्रेष्ठ पुत्र रुक्मणीनाथ सर्वेश्वर नारद आदि महर्षियों तथा देवताओं से पूजित देवकी कुमार गोविंद वासुदेव जगतपते श्रीकांत गोपालक नायक मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि वंदित गोविंद रुक्मणी वल्लभ प्रभो श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गोपियों द्वारा लाकर समर्पित किए गए कमलों के मकरंद में आसक्त चित वाले श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। लक्ष्मी के हृदय कमल के लिए लोलुप माधव समस्त कामनाओं के दाता श्री कृष्ण मुझे मनोवांछित पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपने सेवकों के लिए मंगलदायक रमानाथ वासुदेव श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कल्याणप्रद गोविंद मुनि वंदित मुर शत्रु श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुत्र दाता मुकुंद ईश्वर रुक्मणी वल्लभ प्रभो श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुंडरीकाक्ष गोविंद वासुदेव जगदीश्वर श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। दयानिधे वासुदेव मुनि वंदित मुकुंद श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुत्र और संपत्ति के दाता पुत्र लाभदायक देव पूजित गोविंद श्री कृष्ण की हम सदा वंदना करते हैं। प्रभो आप करुणा के सागर गोपियों के प्राण वल्लभ
और मुर नामक दैत्य के शत्रु हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको मेरा नमस्कार है। मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। लक्ष्मी के स्वामी तथा रुक्मणी के प्राण वल्लभ आप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। गोप बालकों के नायक श्रीकांत मुझे पुत्र दीजिए। सदा ही श्री जी की कामना रखने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। आप पुत्रदायक नागराज शेष की शैया पर शयन करने वाले तथा श्री रंग क्षेत्र में सोने वाले हैं। आपको नमस्कार है। रंगशाही रमानाथ, मंगलदायक माधव, गोप बालक नायक श्रीपते मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। दीनों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप रघुनंदन मुझ दास को पुत्र दीजिए। रमापते पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए। सदा मनोवांछित पुत्र देने में तत्पर रहने वाले यशोदानंदन श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मेरे इष्ट देव गोविंद, वासुदेव, जनार्दन, श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान इंद्र पूजित वासुदेव आपकी कृपा से नीतिज्ञ, धनवान और विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है। जो श्री वासुदेव कथित पुत्र शतक का पाठ करता है वह भी उत्तम पुत्र से संपन्न होता है। यह स्तोत्र रतन सुख की भी प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन जप के समय इसका पाठ करता है उसे तत्काल पुत्र लाभ होता है तथा वह शीघ्र ही धन संपत्ति ऐश्वर्य एवं राज सम्मान प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार संतान गोपाल स्तोत्र पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।